चैनल गाइस, आज मैं आपको यहाँ पे एक तो ट्रिक दिखाने वाला हूँ, जिससे आप फोन से टेक्स्ट ट्रांसफर कर सकते हैं लैपटॉप से वाया जावा नेटवर्किंग। तो मैंने एक तो ऐप बनाया हुआ है और यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा नेटवर्किंग, तो इस ये आएगा जावा नेटवर्किंग। चलो आपका आ गया इधर जावा नेटवर्किंग। तो मैंने अगर इस पे सेंड बटन पे क्लिक कर दिया तो ये सीधा मेरे लैपटॉप तक पहुंच जाएगा। चलो दिखाता हूँ, सेंड नाउ हो गया, दिखा रहा है सेंड सक्सेसफुली। तो चलो मैं अभी आपको अपने लैपटॉप में दिखाता हूँ। तो फिर गाइस देखिए, यहाँ पे आपका आ गया सर्वर स्टार्टेड। क्लाइंट ने क्या भेजा है, जावा नेटवर्किंग। तो आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने इसको बनाया कैसे, तो फिर चलो बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। पर इस प्रोसेस के दो पार्ट होंगे, पहले लैपटॉप में सर्वर बनाना और सेकंड है एक तो ऐप बनाना जो सीधा दिए गए आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर पे लैपटॉप को डेटा भेजेगा। तो फिर चलो शुरू करते हैं। और फिर गाइस चलिए, मैं अभी अपना लैपटॉप में एक तो सर्वर बनाता, जिससे मैंने आपको जो पहले एक तो एग्जांपल दिखाया था, करके दिखाया था जो कि पॉसिबल हो सके। तो फिर चलो, तो मैंने अपने लैपटॉप में एक तो सर्वर नाम का फोल्डर बना लिए हैं और उसको इंटेलिजी आइडिया में खोल लिया है। एक तो क्लास बना दिया लैपटॉप सर्वर। आप लोग इसको कंप्यूटर में भी बना सकते हैं, लैपटॉप में भी बना सकते हैं, एज योर विश। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यू कैन मेक दिस सर्वर इन कंप्यूटर और लैपटॉप, आपकी मर्जी। और फिर चलो यहाँ पे पहला लाइन ऑफ कोड आता है, थ्रोज आयो एक्सेप्ट, मतलब अगर सर्वर में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये थ्रोज आयो एक्सेप्शन सर्वर को बिना रोके ही, बिना एरर थ्रो किए ही उसका एरर को फिक्स करके उसको चलने में मदद करता है। तो मैंने एक तो बनाऊंगा सर्वर सॉकेट। सर्वर सॉकेट का क्लास है, एक तो क्लास है जो सर्वर के लिए खासकर होता है। सर्वर सॉकेट इक्वल टू न्यू सर्वर सॉकेट। और मैं यहाँ पे एक तो टेक्स्ट फाइल बनाऊंगा। इस टेक्स्ट फाइल का काम तो है नहीं, पर यह आपको याद करने में काम आ सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सीधा नेटवर्क। यहाँ पे आपका तो फिर गाइस यहाँ पे आपको एक तो टाइप करना है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर इक्वल टू आप कोई भी पोर्ट नंबर चुन लीजिए, बस आपका पोर्ट नंबर 0 टाइप हो रहा फ्रॉम 0 to 65,000 के अंदर होना चाहिए। और ऐसा कोई पोर्ट नंबर मत चुन लीजिएगा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। आप लोगों को उतना सोचने की जरूरत तो है नहीं, आप लोग तो कोई वेबसाइट तो नहीं बना रहे। तो चलिए मैं अपने तो खुद का पोर्ट नंबर चुन लेता हूँ। वो मैं क्या चुनता हूँ, तो मैं चुनता हूँ 40,000। जैसे मैंने बोला था, आप लोग 0 से लेके 65,000 के अंदर जो भी पोर्ट नंबर हो सके चुन सकते हैं। 65,000 नहीं, उससे ज़्यादा होता है, पर आपका 66,000 नहीं जाएगा। पोर्ट नंबर का संख्या, मैं पोर्ट नंबर का शायद भूल गया हूँ, पर ये तो मेरे को अच्छा से पता है कि पोर्ट नंबर आपका 0 से लेके 65,000 तक हो सकता है। आप लोग गूगल में एक बार सर्च कर लीजिएगा। तो आप लोग कोई भी पोर्ट नंबर चुन लीजिए। तो मैंने चुन लिया 40,000 तो मैं इस पोर्ट नंबर को यहाँ डाल देता हूँ 40,000 के बाद 4 0। उसके बाद सॉकेट, ये था सर्वर सॉकेट और नेक्स्ट वाला है सॉकेट। सॉकेट इक्वल टू सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट।
ये हो गया। ये क्या करेगा, आप क्लाइंट जब सर्वर सॉकेट के साथ कनेक्ट होगा तो ये सॉकेट उस क्लाइंट को, सर्वर सॉकेट क्या करेगा, उस क्लाइंट को सॉकेट के अंदर भेज देगा। सिंपल, टेक्स दी क्लाइंट फ्रॉम सर्वर सॉकेट टू सॉकेट। चलो ये तो हो गया। पहले ये क्लाइंट को रिसीव करता है, मींस इस सर्वर के साथ जो भी कनेक्ट होता है, रिसीव्स द क्लाइंट। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलती किया है, ये इंटेलिजी आइडिया बहुत काम का है भैया, ये मुझे स्पेलिंग भी बता देता है। सॉकेट आ गया, उसके बाद इनपुट स्ट्रीम रीडर। अगर इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या काम करता है वो भी बता देता हूँ, पहले लिए मैं थोड़ा लिख लेता हूँ। सॉकेट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, सेमी कॉलन मत लगाना भूलना भैया। ये क्या करेगा, इनपुट स्ट्रीम क्या करेगा, क्लाइंट आप लोग गूगल तो डॉट कॉम, गूगल डॉट कॉम तो सबको यूज़ करता है, गूगल डॉट कॉम, यूट्यूब डॉट कॉम, पर आप लोग यूज़ क्यों करते हैं। मैं क्वेश्चन करूँगा वाई Do you use Google? मैंने सीधा आपको क्वेश्चन कर दिया, why do you use Google? आप लोग गूगल को यूज क्यों करते हो? For getting information. आप कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए तो गूगल को यूज करते हो ना, गूगल बोलो, यूट्यूब बोलो, जो भी बोलो, जितने सारे भी सोशल मीडिया हैं। पहले इन जानकारी आपको पहले मिलने से पहले आपको उसको एक टू टेक्स्ट देना पड़ता है, मींस क्राइटेरिया। जो भी आप गूगल पे जाके, मैं अपना क्रोम ब्राउजर खोल लेता हूँ, एक बार दिखाता हूँ, खुल जा। हाँ, आप लोग जो भी गूगल पे जो जाते हैं, आप लोग गूगल पे जाते ही क्यों है? कुछ सर्च करने के लिए लिखेंगे गूगल या लिखेंगे जियो, जो भी लिखो, मतलब आप जियो के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, तो गूगल इसको रिसीव कैसे करेगा, वो क्या करता है, क्लाइंट जो भी टेक्स्ट भेजता है उसको एक क्लास में स्टोर कर लेता है, और वो होता है इनपुट स्ट्रीम। यही वो क्लास है जो गेट रिसीव्स द क्लाइंट सेंट डेटा। अगर क्लाइंट ने सर्वर को कोई डेटा भेजने की कोशिश की है तो सॉकेट उस डेटा को इनपुट स्ट्रीम रीडर के अंदर स्टोर कर देगा। हाँ, एकदम सिंपल बात। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूंगा स्कैनर, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर, उसके बाद इसके अंदर डाल दूंगा इनपुट स्ट्रीम रीडर कॉम सेमी कॉलन। पर आपने डेटा सर्वर को भेज तो दिया, सर्वर ने आपका डेटा रिसीव भी कर लिया, पर आप देखेंगे कैसे कि आपका डेटा कौन सा भेजा गया है कोई भी क्लाइंट डिवाइस से। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा साउट, SOUT। अगर आप इंटेलिजेंट आईडिया यूज कर रहे हैं तो SOUT प्रेस टाइप कीजिएगा, सीधे एंटर मत दीजिए, आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिंपल, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा क्लाइंट कॉलन प्लस स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे मैंने किया क्या है, देखो भैया, मैंने एक तो सर्वर बनाया, सर्वर सॉकेट जिसका पोर्ट नंबर है 40,000, जिसका है 40,000 पोर्ट नंबर, आप लोग कोई भी डाल दीजिए। सॉकेट बनाया,
जो भी क्लाइंट सर्वर सॉकेट के साथ कनेक्ट होता है होना चाहता है इस पोर्ट नंबर पे, वो सीधा सॉकेट सर्वर के क्लाइंट को सीधा अपने अंदर घुसा लेगा, सिंपल। उसके बाद अगर क्लाइंट ने सर्वर को डेटा भेजा है सर्वर सॉकेट पे, तो वो सीधा पहले जाएगा सॉकेट के पास, सॉकेट के बाद जाएगा सीधा इनपुट स्ट्रीम रीडर, कि क्लाइंट ने कोई डेटा भेजा है तो वो डेटा रिसीव कैसे करेगा, इसके लिए है ये इनपुट स्ट्रीम रीडर। उसके बाद क्या डेटा भेजा है उसको शो करने के लिए कंसोल पे आपको ये स्कैनर वाला है, फॉर व्यूइंग द सेंड डेटा, सिंपल। इसका कोई ज्यादा काम नहीं है, आप लोग इसको डाल भी सकते नहीं भी डाल सकते, पर ये आपका एक तो निशानी है कि आपका सर्वर काम कर रहा है। तो फिर चलो ये सर्वर का काम तो खत्म हुआ, स्कैनर ने क्या किया, स्कैनर ने किया इनपुट स्ट्रीम रीडर के अंदर जो भी डेटा आएगा उसको स्कैनर के अंदर घुसा लिया। उसके बाद स्कैनर ने अपना फंक्शन यूज किया डॉट नेक्स्ट लाइन, उसकी मदद से स्कैनर के अंदर जो भी डेटा आया है वो सीधा शो कर दे, सो द रिसीव्ड डेटा, सिंपल। यहाँ पे मैंने यहाँ मैं बार बार रिसीव का स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ भाई, क्या हुआ, आप लोग कोई मजाक मत बना देना, सॉरी गाइस। तो फिर चलो मैं अभी ऐप के बारे में बात करता हूँ और मैं अपना खोलता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो भैया इंटेल ले लीजिए। तो फिर गाइज आप लोग देख रहे हैं कि मेरा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है और मैंने अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में प्रोजेक्ट खोल लिया है क्लाइंट ऐप नाम से। जब मेरा ग्रेडल बिल्ड हो जाएगा तब मैं सीधा आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फिर मैं थोड़ा घूम फिर के आता हूँ, क्योंकि ग्रेडल बिल्ड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर चलो मिलता हूँ बाद में। तो फिर गाइज मेरे प्रोजेक्ट में दो एरर आए हैं, फेल टू फाइंड बिल्ड टूल्स रिवीजन 31.1 और अनेबल टू रिजॉल्व डिपेंडेंसी। इसको मैं अगर सो डिटेल्स पे करूँ तो ये मुझे सीधा बिल्ड डॉट ग्रेडल पे ले गया, और कहाँ गलती है, ओ यार कहाँ गया, सो डिटेल्स में करता हूँ, ऐप में ही कर देता हूँ। चलो मैंने सीधा मॉड्यूल ऐप पे क्लिक किया तो फिर देखो यहाँ पे गलती दिखा रहा है। हाँ तो यहाँ पे मेरा दिखा रहा था कि क्या दिखा रहा है, जे यूनिट प्लस था यहाँ पे कुछ, अभी हट गया। तो यहाँ पे टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन में कुछ गलतियाँ हैं, तो आपके साइड में यहाँ पे जो ग्रेडल नाम का जो दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे खोजिए कि ये जे यूनिट नाम का कहाँ है। जे यूनिट ये तो स्टार्टिंग में ही है, यहाँ पे 4.12 लिखा हुआ है, 4.12, तो यहाँ पे लिखिए 4.12 या सीधा आप लोग 4.13.2 भी कर सकते हैं अगर आप लोग एंड्रॉयड स्टूडियो का नया वर्जन यूज़ करते हैं। तो अगर आप ग्रेडल 61 या कितना ग्रेडल कितना है वो ग्रेडल का एक बार देख लेता हूँ। हाँ अगर मैं ग्रेडल का वर्जन अभी अगर देखो तो ये जे यूनिट वाला गलती नहीं है, सिर्फ आपको फेल टू बिल्ड टूल का एरर आ सकता है, सक्सेसफुल दिखेगा पर फेल टू बिल्ड टूल। मैं ये वाला अभी नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों को यहाँ टॉप पे आपको एक तो लिंक दिखाई देगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिए, आप लोग दूसरा वीडियो में पहुँच जाएंगे और यहाँ पे मैंने फेल टू बिल्ड टूल्स का एरर का बताया हुआ है। तो मैं अभी अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट पे
तो फिर गाइस यहाँ पे देख लीजिए, मैंने अपना एरर वो बिल्ड टूल वाला एरर और जे यूनिट वाला एरर ठीक कर लिया। मैंने आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने ये जे यूनिट का एरर तो ठीक कर लिया पर बिल्ड टूल का नहीं बता रहा। यहाँ पे आप लोगों को आई बटन पे एक तो लिंक आई बटन पे यहाँ पे बिल्ड टूल नाम का कुछ दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, आप लोग मेरे दूसरे वीडियो में पहुँच जाएंगे और वहाँ पे मैंने बिल्ड टूल का एरर पूरा खोल के बताया हुआ। तो फिर चलो एक तो ऐप का लेआउट डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कंपोनेंट ट्री में मैं यहाँ मेन डॉट एक्टिविटी डॉट मेन में पहुँच गया हूँ अपने लेआउट में। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ लूँगा, पर क्या लूँगा, एडिट टेक्स्ट, जहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट इनपुट कर सकूँ। एक तो बटन और टेक्स्ट, तो कौन सा लूँ, कोई भी एक तो उठा लेता हूँ। यहाँ पे डालूँगा प्लेन टेक्स्ट, उठा लेता हूँ। यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट लेआउट है, कहीं पे भी एक तो उठा लिया, इन सबको कंस्ट्रेंट कर देता हूँ, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, इसको थोड़ा ऊपर ले आया। चलो भैया एट्रीब्यूट्स में गया, इसका टेक्स्ट हटा दिया, मैंने इसका टेक्स्ट साइड कर दिया। और यहाँ पे मैं साइन करूँगा हिंट, हिंट पे मैं लिखूँगा नेम। तो फिर देखिए मैंने जैसे जैसे हिंट पे नेम लिखा तो ये थोड़ा ग्रे कलर का आ गया। अगर आप लोगों का जैसे मेरा था पहले टेक्स्ट में नेम लिखा था तो उसको आप हटा के, नेम हटा के आप हिंट में नेम लिख दीजिए। चलो हो गया, अब मैं जाऊँगा बटन में, सिंपल बटन उठाऊंगा, बटन तो उठा लिया। चलो भैया इसको सेंटर पे रखने में मज़ा आएगा, इन सबको अप एंड डाउन कॉन्स्टेंट कर देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो आ जाएगा, आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं खुद ही कर देता हूँ। देखो हो गया कंस्ट्रेनिंग, इसको भी थोड़ा साइज बड़ा करता हूँ, हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है बटन, मेरे को टेक्स्ट बटन नहीं चाहिए, मेरे को बटन का टेक्स्ट बटन नहीं चाहिए। यहाँ पे लिखूँगा मैं सेंड नाउ, भेजा जाए, सेंड नाउ आ गया। चलो यहाँ यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट में किया, टेक्स्ट खोजा, टेक्स्ट एट्रीब्यूट, वहाँ पे मैंने सेंड नाउ लिख दिया। और यहाँ पे दिख रहे हैं कि आप लोग मैंने सेंड स्टार्टिंग का लेटर एस कैपिटल है और एन कैपिटल है, और यहाँ पे सारे कैपिटल है, मेरे को जैसे लिखा हुआ है वैसे ही करना है। तो मैं क्या करूँगा, ऑल टेक्स्ट, मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट ऑल, यहाँ पे मैंने ही लिखा जैसे टेक्स्ट ए एल, तो यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट ऑल कैप, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू। अगर मैं इस माइनस के बटन पर क्लिक करता हूँ तो हो जाएगा, तो क्या होता है टेक्स्ट एल, तो रुको भाई थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का हिंट, हाँ यहाँ पे मैं बटन के एक्सएमएल कोड में आ गया। यहाँ पे आपको टाइप करना है टूल्स, यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट ऑल कैप्स, मतलब बटन में जितने भी टेक्स्ट हैं उसको सारे कैपिटल नहीं करना है, उस डबल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देना है फॉल्स। तो देखिए जैसे ही मैंने किया यहाँ पे सारे के सारे मैंने जैसे लिखा था वैसे ही आ गए, स्टार्टिंग एस कैपिटल बाकी सब स्मॉल। चलो ये तो हो गया, अभी बारी है प्रोग्रामिंग।
पर इससे पहले एक तो काम है। चलो क्या काम है देखता हूँ। आप लोगों को जाना है, अगर यहाँ पे आपका यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन में जो भी सिलेक्ट है उसको छोड़ के आप लोग इस ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिएगा। अगर आपका दूसरा कोई ऑप्शन सिलेक्ट है, जैसे सबका प्रोजेक्ट होता है, तो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए एंड्रॉयड। सिंपल एंड्रॉयड सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो ऐप दिख रहा है उसके अंदर जो मैनिफेस्ट दिख रहा है उस पर क्लिक करिएगा, तो आप लोग आ जाइएगा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। आप लोग सोचें कि इसमें मेरा क्या काम है, या बहुत काम है। देखो क्या काम है, वेट एंड वॉच। और फिर गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट खोल लिया है। यहाँ पे भी मुझे ऐप को परमिशन देना है। क्या परमिशन? देखो मैंने डाल दिया सेमी कॉल, ग्रेटर, मैंने एक तो एंगल ब्रैकेट डाल दिया। इसमें मैं डालूँगा यूज़र परमिशन, आ गया एंड्रॉयड सेमी कॉलन, एंड्रॉयड कॉलन नेम, उसके अंदर डालूंगा एंड्रॉयड परमिशन, एंड्रॉयड डॉट परमिशन डॉट इंटर। यहाँ पे सीधा बंद कर दूंगा, हो गया ऐसे ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोगों को तो देख के समझ में आएगा, पर मैं बता देता हूँ, इस ऐप का डेवलपर मीन्स मैं और आप लोग इस ऐप को परमिशन देते हैं कि आप लोग इंट की इस ऐप को, ये ऐप मेरा इंटरनेट डेटा यूज़ कर सकता है डेटा भेजने के लिए। आप लोग सिंपल ये सोच लीजिए कि क्या लिखूं। यहाँ पे कमेंट कैसे होता, कमेंट तो नहीं जानता भैया। तो आप लोग यही सोचिए कि इस ऐप को इंटरनेट यूज़ करने की परमिशन दे जा रही है। सिंपल। तो मैं अपने अभी जाऊंगा मेन एक्टिविटी में, यहाँ पे इसका बैकएंड कोडिंग करना, ये ऐप कैसे काम करेगा वो अभी करना है। मेन एक्टिविटी डॉट जावा, तो मैं यहाँ पे आ गया, एडिट टेक्स्ट है और एक तो बटन है। यहाँ पे लिख दिया एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट इक्वल टू फाइंड बाय आईडी आर डॉट एडिट टेक्स्ट पर्सन नेम, यही था मेरा एडिट टेक्स्ट का नाम, और बटन का था बटन, जैसा नाम है वैसा ही इसका आईडी है। चलो, और बटन का आ गया, बटन बटन इक्वल टू फाइंड बाय आईडी आर डॉट बटन। देखो आ गया भैया, यहाँ पे बटन डॉट स्पेक्ट टू सेट ऑन, सेट ऑन क्लिक लिसनर डालना है। इस बटन पे अगर क्लिक किया जाए तो ये क्या काम करेगा, तो इसमें न्यू व्यू डॉट क्लिक ऑन लिसनर, ऑन क्लिक लिसनर, तो इसमें ये सब आ गया। पर इसमें काम क्या किया जाएगा भैया, तो मैंने इस फंक्शन के बाहर, ऑन क्रिएट नाम के फंक्शन के बाहर एक तो क्लास बनाऊंगा, जिससे मुझे बहुत ज़रूरत है, एक क्लास बनाऊं। चलो एक तो क्लास बनाया जाए, इसका नाम रखता हूँ नेटवर्क, सिंपल, क्योंकि मैं अभी नेटवर्क का ही काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसका नाम डालता हूँ नेटवर्क। एक्सटेंड्स थ्रेड, यहाँ पे थ्रेड का भी काम है भैया, और उसके अंदर आएगा ये रन में, और यहाँ पे जब भी क्लिक होगा तब न्यू थ्रेड, न्यू नेटवर्क डॉट, यहाँ पे शायद स्टार्ट
स्टार्ट। चलो हो गया। जब भी इस बटन पर क्लिक किया जाएगा तो ये क्या करेगा आपका, तो फिर ये बटन क्या करेगा, इस नेटवर्क थ्रेड नामक क्लास को चालू कर देगा एज एन थ्रेड। यहाँ पे आप लोग लैम्डा भी यूज कर सकते हैं। व्यू डॉट क्लिक लिस्ट में मुझे ये एंड्रॉइड स्टूडियो सजेशन दे रहे हैं, चलो कर देता हूँ लैम्डा। चलो भैया हो गया लैम्डा। आप इस एडिट टेक्स्ट को इस क्लास में ही क्या करें, आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, और कैसे होगा वो मैं आपको सीधा बात। तो फिर पहले मुझे इस एडिट टेक्स्ट से टेक्स्ट लेना पड़ेगा, तो मैं इसमें लिखूंगा डेटा इक्वल टू एडिट, यहाँ पे नाम नहीं दिखा रहा भैया, यहाँ पे मैं इसको स्टैटिक कर देता हूँ। अगर ऐसा होता है तो आप लोग इसको स्टैटिक कर दे विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब आएगा एडिट टेक्स्ट, क्या दिखा रहा है, सप्रेस फील्ड लीक इज ए मेमोरी लीक, क्या करूं स्टैटिक। तो आप लोग आपका मेमोरी लीक होने का खतरा हो सकता है, तो मैं नहीं करूंगा। न्यू मेन एक्टिविटी डॉट एडिट टेक्स्ट, आपका डेटा लीक हो सकता है, इसलिए मैं क्या करूंगा डेटा स्ट्रिंग डेटा इक्वल टू न्यू मेन एक्टिविटी डॉट एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। मैंने क्या किया, मेन एक्टिविटी का फंक्शन बनाया, मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके अंदर था एडिट टेक्स्ट, उसको मैंने यहाँ पे ला दिया। एडिट टेक्स्ट से मेरा डेटा आएगा, कैसे आएगा डेटा, यहाँ से मेरा एडिट टेक्स्ट में जो भी डेटा टाइप किया गया है वो आ जाएगा सीधा। और यहाँ पे आपका आएगा ट्राई कैच का ब्लॉग, एक तो डालना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे थ्रोस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ ट्राई कैच एक्सेप्ट आयो एक्सेप्शन ई डाल दिया डॉट फिल इन ट्रेस। चलो भाई फिल इन ट्रेस नहीं, प्रिंट इन ट्रेस, प्रिंट इन, ये क्या दिखा रहा है, डिलीट कैच नेवर थ्रोन, यहाँ पे आपका सॉकेट का काम आएगा ना, इसलिए इसको मैं इस ट्राई के अंदर डाल दिया। इसके अंदर मैं लिखूंगा सॉकेट 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 इक्वल टू न्यू सॉकेट, और यहाँ पे आपका आएगा दो चीज, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर वही 40,000, आपका वही पोर्ट नंबर होना चाहिए जो पोर्ट नंबर से आपने सर्वर बनाया। तो फिर चलो आप आईपी एड्रेस कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे कॉमा के अंदर स्ट्रिंग के रूप में आएगा आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर जो कि था मेरा 40,000, आप लोगों का जो था आप लोग वही डालना। और डेटा को भेजा कैसे जाएगा, प्रिंट राइटर से, प्रिंट राइटर इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, प्रिंट राइटर डॉट प्रिंट एलएन, इसके अंदर आएगा डेटा, उसके बाद प्रिंट राइटर डॉट फ्लश से बाद सॉकेट डॉट क्लोज। हर सर्वर को डेटा रिसीव करने के बाद सर्वर का सॉकेट को क्लोज करना बहुत जरूरी है, सर्वर का भी क्लाइंट का। तो फिर चलो मैं अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ और मैं आप लोगों को ले चलता हूँ सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट। तो फिर
तो फिर गाइस मैंने अपना इंटरनेट कनेक्टेड कर लिया है और अभी मैं पता लगाऊंगा आईपी एड्रेस कैसे पता लगाऊंगा। देखिए मैंने अपना खोल लिया कमांड प्रॉम्प्ट, उसके अंदर लिखूंगा आईपी कॉन्फिग, सिंपल यहाँ पे स्पेलिंग का आईपी कॉन्फिग लिखा जो भी चलो। ये है मेरा आईपी फोर एड्रेस, ये है मेरा आईपी फोर एड्रेस और मुझे इसी की ज़रूरत है, इसी से मेरा क्लाइंट ऐप मेरे सर्वर के साथ कनेक्ट होकर डेटा एक्सचेंज करने सकेगा। तो मैंने इसको कर लिया कॉपी और इस नेटवर्क ये जो मैंने फाइल बनाया था इसको लिखूंगा आईपी इक्वल टू, ये पेस्ट कर दिया, चलो हो गया। ये वाला आईपी एड्रेस आपको तभी मिलेगा जब आप सीएम कमांड प्रॉम्प्ट में आप इंटरनेट कनेक्टेड होने के बाद आईपी कॉन्फिग लिखेंगे तभी आएगा, वरना ये आपको कभी नहीं मिलेगा। इसको मैंने कर लिया कॉपी और इसको बंद सेव कर देता हूँ, काम का है। और मैं आ गया अपने एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड स्टूडियो में आ गया, यहाँ सॉकेट पे जो होस्ट लिखा हुआ ना चैट दो क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, तो इसके अंदर डाल दूंगा वो आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस हो गया। तो फिर चलो अभी बारी आती है ग्रेडल बिल्ड करने। मैंने यहाँ क्या किया देख लो, एडिट टेक्स्ट बनाया, बटन बनाया, बटन को अंडर अंडर डाल दिया, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसको क्या किया और लास्ट में एक तो स्टेप। तो फिर गाइस मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये रन ऑन यूआई थ्रेड है क्या। पहले आपको वो थ्रेड वाला क्लास के आगे से आप लोगों को शायद याद होगा कि यहाँ पे पहले स्टैटिक था, तो मैं स्टैटिक को साइड कर दूंगा, दिखाएगा इनर क्लास नेटवर्क में भी स्टैटिक मेक स्टैटिक, इस पे आप क्लिक मत कीजिएगा वरना वो यूआई थ्रेड काम नहीं करेगा। मैं इसको कैच ब्लॉक के बाद रन ऑन यूआई थ्रेड ये है क्या पहले लिख लेता हूँ, इसमें भी लैम्डा आएगा। एडिट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट ब्लैंक, उसके बाद टोस्ट। आप लोग सोच रहे हैं ये टोस्ट क्या है, ये खाने वाला टोस्ट नहीं, यहाँ पे आपको मैसेज दिया जाएगा कि आपका डेटा सक्सेसफुली सेंड हो चुका है, डेटा सेंड जब आपका एप्लीकेशन बन जाएगा मैं तभी आपको दिखाऊंगा डेटा सेंड सक्सेसफुली। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत किया, चेंज टू सक्सेसफुली एंड डेटा सेंड सक्सेस, ये वाला रन ऑन यूआई थ्रेड क्यों किया। यहाँ पे आप लोग अगर देख रहे हैं कि सॉकेट डॉट क्लोज मीन्स, सॉकेट डॉट क्लोज मीन्स इस एप्लीकेशन का मेन काम यही है कि डेटा सेंड करना, तो एंड्रॉयड इस ऐप को सोचेगा कि यहाँ पे सॉकेट डॉट क्लोज है तो मैं भी अपना एप्लीकेशन बंद कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐप बंद हो जाएगा, जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे तो थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा, थ्रेड डेटा उठाएगा, डेटा सेंड करके आपका ऐप बंद कर देगा, आपका डेटा तो पहुंच जाएगा सर्वर पर आपका ऐप बंद हो जाएगा जो कि अच्छा बात नहीं। तो इस रन ऑन यूआई थ्रेड में क्या होगा, जैसे आपका बटन पे क्लिक करेंगे आपका डेटा पहुँच जाएगा तो ये एडिट टेक्स्ट खाली हो जाएगा और आपको एक तो मैसेज नीचे दिखाई देगा कि डेटा सेंड सक्सेसफुल। तो फिर चलो बिना ज़्यादा बात किए अभी मैं अपना ग्रेडल बिल्ड करता हूँ, उसके बाद अगर ग्रेडल में बिल्ड होने होने में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोगों को बताऊँगा क्या प्रॉब्लम आई है। तो फिर चलो मिलता हूँ कुछ देर बाद ऐप। तो फिर गाइस देखिए मेरा ग्रेडल बिल्ड होना शुरू हो गया, इसके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर, अगर नहीं प्रॉब्लम आता है तो मैं आपको सीधा मिलूंगा ऐप। तो फिर गाइस आप लोग देख रहे हैं कि बिल्ड फेल्ड हो गया और यहाँ पे दिखा रहा है मैनिफेस्ट मर्जर एरर, तो फिर चलो मैं भी इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे
आप लोग पहुंच जाएंगे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट पे, पहुंचना चाहिए आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट में गया ऐप के और पहुंच गया सीधा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। एप्लीकेशन दिख रहा है आपको, ये वाला एप्लीकेशन। उसके बाद एक्टिविटी दिख रहा है आपको, ये है एक्टिविटी। इसमें कुछ आपको लिखना है, एंड्रॉयड कॉलन एक्सपोर्टेड इक्वल टू ट्रू। तो इसको कर दिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर चलो बिल्ड करता हूँ। बिल्ड करने के बाद ऐप जब लॉन्च हो जाएगा मेरे ऐप में, मेरे मोबाइल में, तो तब मैं आपसे मिलूँगा कब क्या काम होता है। तो फिर गाइस मेरा ग्रेडल और कुछ देर बाद मेरा ऐप भी लॉन्च हो जाएगा। पर इससे पहले मैं आप लोगों को एक तो बात बताना चाहता हूँ। वो बात क्या है? वो बात ये है कि हर सर्वर को काम करने के लिए उसको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो तो मैं नहीं जानता, पर आप आपके जिस भी डिवाइस में सर्वर है, पहले उस डिवाइस को पहले आप उसमें इंटरनेट कनेक्शन जोड़ लें, उसके बाद ही डेटा ट्रांसफ़र करें। अगर बिना इंटरनेट के काम करेंगे तो आपका डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो आपको एरर भी मिल सकता है। मेरे ऐप में मेरा वार्निंग दे है कि मेरे ऐप एक वायरस है। भाई मैंने तो आप लोगों के सामने तो ये बनाया है कि बोल रहा है कि मेरा ऐप डेटा लीक कर सकता है, शायद कर सकता है। क्यों बोलिए तो मैंने एडिट टेक्स्ट को बाहर इंट्रोड्यूस किया है और बटन को अंदर, इसलिए शायद हो सकता है। पर इसका एक रास्ता है, क्या बोलिए तो बटन को भी एडिट टेक्स्ट के साथ ही बाहर ही इंट्रोड्यूस किया जाए। तो बटन सेमी कॉलन, बटन हो गया, उसके बाद बटन और यहाँ पे इसका तो काम हो गया। बटन बटन एडिट टेक्स्ट, इसमें कोई स्टैटिक वेटिक कुछ मत जोड़िएगा और यहाँ पे भी स्टैटिक मत जोड़िएगा। अगर क्लास के आगे कोई भी कीवर्ड या प्रोटेक्टर है उसको मत जोड़िएगा। और यहाँ है मेन एक्टिविटी का मेथड, मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट है जिससे आपका डेटा लीक कर सकते हैं, तो इसको साइड कर दीजिए। और उसके बाद अपने ऐप को रन कीजिएगा, तो फिर आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा आप लोग करना चाहते हैं वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपका मोबाइल का वायरस डिटेक्टिंग सिस्टम भी आपको कोई वार्निंग दे देगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सही है। तो फिर चलो मैं अपने मिलता हूँ ऐप में, वहीं पे मैं बाकी सारे बातें करूँगा। ये है मेरा वो क्लाइंट ऐप और मैं इस पे अगर खोलूँगा तो मुझे अपना वायरस डिटेक्टिंग सिस्टम मुझे कोई वार्निंग नहीं दे रहा। और आप लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे मेरा नेम था पर यहाँ पे एंटर योर टेक्स्ट दिखा रहा है, क्योंकि मुझे बाद में रियलाइज़ हो गया था मैंने यहाँ पे गलती की है और मैंने एंड्रॉयड के जो हिंट बारे में मैंने जो बताया था वहाँ पे मैंने नेम चेंज करके लिख दिया एंटर योर टेक्स्ट। तो फिर चलो अपने लैपटॉप में एक तो काम बाकी है उसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो फिर गाइस यहाँ पे एक तो काम छूट गया था कि यहाँ पे आपको सॉकेट को क्लोज करना, आपको बोलने भूल गया था सॉकेट डॉट क्लोज, उसके बाद सर्वर सॉकेट को भी बंद करना है वरना आपका डेटा लीक हो सकता है, क्योंकि हर सर्वर को यूज क्लाइंट के साथ ट्रांजैक्शन करने के बाद क्लोज करना चाहिए। तो फिर चलिए मैं अपने लैपटॉप को करता हूँ इंटरनेट से कनेक्टेड। चलो भैया अपना इंटरनेट चालू कर दिया, कुछ ही देर में कनेक्ट हो जाएगा और जैसे ही होगा मैं तभी आप लोग खुल लिया है वो एप्लीकेशन और मैं डाटा सेंड करके फिर से दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा डीप जावा, मैं यहाँ लिखूँगा एडवांस जावा, सेंड करूँगा, लिखेगा डाटा सेंड सक्सेसफुली और उसके बाद मेरा टेक्स्ट भी खाली हो गया, एडिट टेक्स्ट में जो था ना वो भी खाली हो गया। तो फिर चलो मैं अभी आप लोगों को लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप पे। पहुँच गया एडवांस जावा। तो फिर आप लोगों ने देखा
कि कैसे मेरा सर्वर और मोबाइल ऐप दोनों एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए काम का है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एक लाइक कर देना भाई।